आगरा के थाना लोहा मंडी की चौकी आलमगंज के बाहर नवनिर्वाचित भाजपा के प्रतिनिधियों के होर्डिंग को टॉयलेट में ले जाकर जला देना का आरोप पुलिस पर लगा है। होर्डिंग में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो भी लगी हुई थी। घटना के बाद भाजपा में नाराजगी है। भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षद शरद चौहान ने इस मामले की शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से की है और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ जल्द कार्यवाही की मांग की है। दरअसल यह होर्डिंग शहर के थाना लोहा मंडी क्षेत्र में आलमगंज पुलिस चौकी के बाहर लगा था और यह होर्डिंग भाजपा के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मान और स्वागत में लगाया गया था। होर्डिंग में पीएम नरेंद्र मोदी तथा सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा नव निर्वाचित मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा, पार्षद शरद चौहान समेत पार्टी कार्यकर्ताओं के फोटो भी लगे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आलमगंज चौकी की पुलिस ने इस होर्डिंग को रात में उतार दिया और टॉयलेट में ले जाकर इसे जला दिया। होर्डिंग में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के फोटो थे। पुलिस ने इस तरह का कृत्य कर उनको अपमानित किया है। पुलिस ने विपक्षी दल की मानसिकता का परिचय देते हुए इस प्रकार का कृत्य किया है और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षद शरद चौहान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि उन्होंने पूरे प्रकरण की जानकारी कर ली है। आलमगंज पुलिस चौकी के बाहर का लगा होर्डिंग पुलिस कर्मियों ने पहले फाड़ा और उसके बाद होर्डिंग को चौकी में बने टॉयलेट में ले जाकर जला दिया। इस होर्डिंग पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत आगरा के सांसद और विधायकों के फोटो लगे थे। भाजपा पार्षद शरद चौहान ने आलमगंज पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि होर्डिंग में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो लगे थे। पुलिस ने गलत मानसिकता का परिचय देते हुए इस होर्डिंग को उतार कर रात में चौकी में बने टॉयलेट में ले जाकर जला दिया, जिसका वीडियो स्थानीय लोगों ने बना लिया। उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले की शिकायत की है और भाजपा अब इस पूरे मामले में दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है। आगरा के थाना लोहा मंडी की आलमगंज पुलिस चौकी से जुड़ा हुआ है। अभी नगर निकाय के चुनाव संपन्न हुए, उसमें बहन हेमलता दिवाकर जी और अन्य पार्षद, मैं स्वयं भी पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ, इनकी बधाई देने के लिए एक होर्डिंग आलमगंज पुलिस चौकी के बाहर कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया था। उस होर्डिंग को कल रात को आलमगंज पुलिस चौकी के कुछ पुलिस कर्मियों ने फाड़ दिया। फाड़ने के बाद उस होर्डिंग को उन्होंने जो चौकी के अंदर टॉयलेट बना हुआ है उसमें ले जाकर जला दिया। ये घटना जब सुबह हम लोगों को पता चली, हम मौके पहुँचे, हमने शौचालय में देखा कि होर्डिंग के टुकड़े पड़े हुए थे, जली हुई थी। हम लोगों में रोष इसका था कि उस होर्डिंग पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही फोटो था, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ही फोटो था, आगरा के माननीय सांसद एसपी सिंह बघेल जी का ही फोटो था और सभी गणमान्य विधायकों का ही फोटो था। ये बहुत घोर निंदनीय कार्य हुआ पुलिस के द्वारा। उसमें आलमगंज चौकी के इंचार्ज की भी भूमिका संदिग्ध रही और इस घटना के बाद कार्यकर्ताओं का रोष बढ़ा। हमने पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों को भी इस घटना से अवगत कराया। उसके बाद हम सभी कार्यकर्ता, मेरे साथ दो तीन और पार्षद थे, हम सब लोग एसएसपी कमिश्नर दफ्तर पहुंचे और कमिश्नर साहब की अनुपस्थिति में उनके जो प्रतिनिधि के रूप में अधिकारी मौजूद थे उन्हें ज्ञापन दिया है और उसमें ये मांग करी है कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। दिल्ली महाजन न्यूज़ के लिए संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट।